हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करूंगी डिप्रेशन के बारे में और एक केस स्टडी के जरिए आपको पूरा डिप्रेशन के बारे में समझाऊंगी और उसका इलाज भी समझाऊंगी। तो ये वीडियो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट कर मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो शुरू करते हैं। ये केस है एक 32 साल के लड़के का जिसे प्यार में रिजेक्शन मिला है। अब उसके दिमाग में थॉट आया कि मैं वर्थलेस हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। अब उसके दिमाग में ये जो थॉट आया, इसकी वजह से जो उसके इफेक्ट आए, कॉन्सिक्वेंसेज आए, वो चार लेवल पर आए। इमोशनल लेवल पर उसको सेल्फ ब्लेमिंग महसूस होती थी, उसके अंदर सैडनेस थी, वर्थलेसनेस फील हो रही थी, हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर रहा था वो। उसके साइकोलॉजिकल लेवल पर सेल्फ हार्मिंग थॉट आ रहे थे उसको, और उसको फ्लैशबैक्स आ रहे थे कुछ। ये फ्लैशबैक्स केवल उसको इस रिजेक्शन के नहीं थे, उसको उसके बचपन से लेकर जो जो भी उसके साथ हुआ है उसके आ रहे थे। अभी बताती हूँ क्या वो थे फ्लैशबैक्स। और उसको फिजिकल लेवल पर ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे थे और उसको हेडेक फील हो रहा था, और बिहेवियर में उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, आइसोलेट रहता था, रोता रहता था। तो जब वो मेरे पास आया तो ऑलरेडी वो 8 महीने से बहुत ज्यादा सीवियर डिप्रेशन में था। मेडिसिंस भी खा रहा था बट कहीं से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, और जीने की चाहत तो बिल्कुल ही छूट गई थी उसके अंदर से। लेकिन फिर भी वो है कि पता नहीं, कुछ शायद ईश्वर को मंजूर होगा कि अपने आप को, उसने कहा कि मैं अपने बोझ को ढोए जा रहा हूँ मैम, मैं जीना नहीं चाहता। तो मैंने उससे पूछा, इतना ज्यादा डिप्रेस होने का क्या कारण है? सिर्फ एक लड़की ने आपको मना कर दिया इसलिए आप डिप्रेस हो गए हो? तब उसने मुझे बताया कि नहीं, ये इस वजह से नहीं है केवल, मेरे को डिप्रेशन शायद बचपन से ही है, बचपन से डिप्रेशन है। तो उसने बताया कि रिजेक्शन उसे उसके फादर से भी मल्टीपल टाइम्स मिला, उसको इमोशनली अब्यूज किया गया, उसके फादर ने उसे बचपन से बहुत मारा। उसने कम से कम हजारों बार ये सुना कि तुम किसी लायक नहीं हो, जाकर मर जाओ, तुम बेकार हो, तुम हम पर बोझ हो। अब ये सब सुनकर बहुत ही अजीब लगता है और दुख भी होता है क्योंकि एक पिता ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन शायद उसके पिता को भी कुछ अपने ही कुछ इश्यूज रहे होंगे लाइफ के, बट ये सच्चाई है कि उसके साथ इस तरीके से हुआ। उसके स्कूल में उसके रिलेटिव ने, सब ने उसको किसी ना किसी बात पर बुली किया गया, और उसको ऐसा लगने लगा कि आई एम गुड फॉर नथिंग, अनलवेबल और अनवांटेड। इस तरीके से ये सारा का सारा केस था। जब उससे एविडेंस के बारे में पूछा गया कि वाकई तुम्हें वर्थलेस फील होता है या होपलेस, हेल्पलेस या अनलवेबल, ये सब क्यों, अनवांटेड क्यों फील हो रहा है, तो उसने बोला मेरे पास रियल एविडेंस है मैम। और वाकई ही उसकी इतनी मार पिटाई हुई। अब जब मैंने उसकी सिस्टर से बात की, क्योंकि वो अपनी सिस्टर के साथ ही आया था, उसके पेरेंट्स में से कोई भी नहीं आया था, तो उसकी सिस्टर से बात करी तो उसने भी इस बात को वैलिडेट किया कि ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है कि बहुत ज्यादा पिटाई हुई है। पिटाई मेरी भी हुई है लेकिन इसकी ज्यादा हुई है, ये ज्यादा महसूस करता था और मैं उस चीज को थोड़ी देर महसूस करती थी लेकिन उसके बाद मैं उससे ओवरकम कर जाती थी। तो सेम एनवायरमेंट में है, उसकी बहन को इतना अफेक्ट नहीं हुआ लेकिन उस लड़के को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया। मैंने उससे थोड़ी और बात की तो पता चला कि वो शुरुआत से ही बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव और अपनी बात जो है वो किसी से कह नहीं पाता। अगर उसके साथ कुछ गलत भी हो रहा होता है लेकिन वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता था, वो बिल्कुल चुप हो जाता था, अंदर अंदर सोचता रहता था। उसने बताया कि बहुत सारी स्लीपलेस नाइट, डर कर उसको नाइटमेयर्स आते थे, बचपन से ही उसको सपने आते थे, वो बहुत ज्यादा डरता था, चुप चुप रहता था, कोई दोस्त नहीं, किसी से बात नहीं कह पाना। पर जब बड़ा हुआ, धीरे धीरे कॉलेज गया, तो वहां पर उसको एक लड़की पसंद आई और उसने सारी की सारी दुनिया अपनी शायद उसी में देख ली कि जो प्यार उसे, जो सपोर्ट उसे, एक्सेप्टेंस कभी नहीं मिली शायद उस लड़के से मिल सके। बट वहां पर भी ऐसी किस्मत रही उसकी कि वहां पर भी उसे रिजेक्शन मिला, तो वो पूरी तरह से टूट गया और ये बन गया एक्टिवेटिंग इवेंट जिसकी वजह से उसका डिप्रेशन, जो अंदर ऑलरेडी था बचपन से इतने सारे मल्टीपल इवेंट्स की वजह से, वो एकदम सीवियर लेवल पर ट्रिगर हो गया और उसकी जीने की इच्छा खत्म होने लगी। डिप्रेशन में अब क्या होता है समझिए। डिप्रेशन पे मैंने एक बुक भी लिखी है, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप। सो उसमें भी मैंने एक केस को पूरी ब्यूटीफुली स्टोरी के रूप में डिस्क्राइब किया है, आप जरूर पढ़िएगा उसको, वो बहुत ही हेल्पफुल बुक है। सो डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन इज नथिंग, जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। जब आप अपने इवेंट्स को, जो भी कुछ आप फील कर रहे होते हैं, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वहां पर एक्यूमुलेशन हो जाता है और फिर वहां पर आपकी सफरिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में ध्यान ना देने की वजह से ये चीज बढ़ जाती है और कोई भी एक ऐसा इवेंट हो गया जो एकदम फोर्सफुल इवेंट था, उसकी वजह से ट्रिगर हो जाता है। आगे समझते हैं।
देखिए अभी डिप्रेशन में क्या है हमारे साथ, डिप्रेशन के लक्षण जो दूसरों को विजिबल होंगे वो चार लेवल पर होते हैं, फिजिकल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, इमोशनल और बिहेवियर लेवल पर, जैसे अभी मैंने इस केस का एग्जांपल आपको देके बताया। अब ये चारों लेवल पर जब डिप्रेशन सीवियरली विजिबल हो जाएगा तब जाकर आपके फैमिली मेंबर्स को या दूसरे लोगों को पता चलेगा कि भाई आपके साथ कुछ परेशानी चल रही है। वरना डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन एक मेंटल स्टेट है और हर मेंटल स्टेट क्या होती है, आपके माइंड की प्राइवेसी में ही रहती है। तो जब तक उसका रिफ्लेक्शन कहीं नहीं आएगा, चाहे वो आपके बिहेवियर में हो, आपके थॉट प्रोसेस में हो, आपके लाइफ स्टाइल में चेंज हो, आपकी हैबिट्स चेंज हो रही हो, तो तब तक कोई समझ नहीं पाता है उसको और इंसान अंदर अंदर सफर करता रहता है। मान लीजिए उसको ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई, उसको फ्लैश बैक्स आने लगे जो कुछ उसके साथ हुआ था, तो ये सब तो उसके अंदर ही चल रहा है ना। लेकिन जब ये कन्वर्ट होकर बॉडी पर आ जाते हैं, मान लीजिए किसी इंसान को पैनिक अटैक आ गया है, वो बेहोश हो गया है, रो रो जा रहा है, या उसने अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए कुछ गलत तरीके अपना लिए हैं, शराब पीने लगा है, स्मोकिंग करने लगा है, या फिर किसी और तरीके से अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल फील करने के लिए कुछ और एक्टिविटी करने लगा है, तब जाकर लोगों को ये दिखने लगता है कि भाई इसके साथ कुछ चेंज हो रहा है या फिर वो सो नहीं रहा है। तो डिप्रेशन के अलग अलग तरीके के लक्षण आते हैं, उसका क्राइटेरिया है, इन सब पर मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोज बनाई हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं उन बारे में बात नहीं करूंगी, मैं केस स्टडी से आपको इलाज बता रही हूं। So, चारों लेवल में से किसी भी लेवल पर अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अलर्ट हो जाना है, बिकॉज डिप्रेशन कंप्लीटली ट्रीटेबल है और ये विदाउट मेडिसिन आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करेंगे और ये बहुत ज्यादा पुराना हो जाएगा तो इतनी कंडीशन खराब हो जाएगी कि इनिशियली फिजिकल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिकेशन की जरूरत हो सकती है, बट अल्टीमेटली आपका डिप्रेशन तो आपके एक्सप्रेशन से ही जाएगा जब आप उन कॉजेस को करेक्ट करेंगे। अब देखिए वो कॉजेस की बात मैं कर रही हूँ, तो ये कॉजेस क्या हैं? कॉजेस हैं जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस और जो रेफरेंसेस हुए हैं, जैसे उस लड़के को रियल में एक्सपीरियंसेस हुए थे, उसको मारा गया, पीटा गया, उसको बोला गया कि तू बोझ है, मर जा, और उसको गालियां भी दी गई, तो रियल में उसने वो पेन को अपने अंदर एक्सपीरियंस किया। उसको रेफरेंसेस मिले उसके स्कूल से, उसके रिलेटिव से, सब ना जाने कौन सी ऐसी डिसलाइक थी सब लोगों को कि जिसकी वजह से उसको इस तरह से बुली किया गया, तो उसके पास तमाम ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंस और रेफरेंस से। तो इसमें क्या होता है, एक इंसान के पास नेगेटिव बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और रेफरेंसेस हो जाते हैं, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हमारी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और रेफरेंसेस होते हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इन एक्सपीरियंस और रेफरेंसेस के बेसिस पर उसके दिमाग ने जो मीनिंग क्रिएट करा अपने बारे में, तो उसके बारे में उसने किया कि मैं वर्थलेस हूं, अनलवेबल हूं, अनवांटेड हूं। अब किसी इंसान को ऐसा फील होगा तो आप समझ ही सकते हैं उसके अंदर हेल्पलेसनेस फील होगी, उसे वो हेल्पलेस फील करेगा, होपलेस फील करेगा, और ये रीजन काफी होते हैं किसी भी इंसान को जीने की इच्छा खत्म करने के लिए। इसीलिए उसके बिहेवियर में सेल्फ हार्मिंग आ गया था, उसके अंदर की जीने की इच्छा खत्म होती जा रही थी। बट वो कहते हैं ना कि जब ईश्वर ने आपकी जिंदगी दे रखी हो तो आपकी इच्छा के विरुद्ध ईश्वर अपने हाथ में कंट्रोल ले लेते हैं, ऐसा ही कुछ उस लड़के के साथ हुआ। ईश्वर चाहते थे कि वो एक फाइटर बने और जिंदगी को अच्छी तरीके से जिए। तो इस वीडियो के जरिए मेरा मैसेज यही है कि ईश्वर ना करे कभी आप डिप्रेशन के उसमें आए, लेकिन अगर कभी ऐसा डिप्रेशन फील करें तो ईश्वर पर भरोसा रखिएगा कि ईश्वर ने आपको अनमोल जिंदगी दी है, वो चाहते हैं कि आप फाइट करो और बाउंस बैक करो, बिकॉज डिप्रेशन इज नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। तो इतने सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और इन सारे मीनिंग उसके माइंड ने क्रिएट करने के बाद वो लड़का पूरी तरह से डिप्रेस हो गया था। तो अब क्या होता है डिप्रेशन में, आगे समझते हैं। देखिए ये है डिप्रेशन की साइकिल, एक डिप्रेसिव साइकिल। इसमें क्या रहता है, एक इंसान का जो मूड है वो लो रहना शुरू कर देता है। अब लो मूड तो कभी कभी हम सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन डिप्रेशन वाले इंसान के साथ परसिस्ट करता है ये मूड, यानी कि लगातार चलता रहता है। हम कहते हैं कि डिप्रेशन के लक्षण अगर 2 हफ्तों से ज्यादा हैं तभी हम कह सकते हैं कि आप डिप्रेशन के घेरे में आ गए हैं। तो उनका लो मूड जो है वो मेंटेन रहता है, मतलब उनके आसपास कोई भी पॉजिटिव इवेंट हो रहा होता है तो उन्हें उससे खुशी नहीं मिलती है, कोई भी उन्हें चेयरअप करने की कोशिश करता है वो सब उन्हें मोमेंट्री लगता है, वो अंदर जो मेंटल स्टेट बनी हुई है वो मेंटेन रहती है। अब ये जो लो मूड है वो मेंटेन कैसे रहता है, आप जानते हैं कि जिस तरीके की थॉट्स आती हैं हमारी, उसी तरीके के इमोशंस हम फील करते हैं, और थॉट्स किस बेसिस पर आती हैं, प्रीवियस लर्निंग के बेसिस पर। तो यानी कि जो उसकी प्रीवियस
जो उसके एक्सपीरियंसेस थे और जो उसके पास रेफरेंसेस थे वो उसके लो मूड को परसिस्ट किए हुए थे, ऐसे ही मेंटेन किए हुए थे। तो लो मूड के बाद क्या होता है, इंसान लेस एक्टिव हो जाता है, फिर उसके अंदर एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, जैसे कि सोशल विड्रॉल कर लेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, उसके अंदर कुछ भी आसपास इवेंट हो रहा है उसे कोई खुशी नहीं देगा, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, वो डिसकनेक्टेड फील करेगा। इसी तरह से उसकी वर्स्ट सेल्फ इमेज हो जाती है, जैसे इस केस में था कि मैं वर्थलेस हूँ, अनलवेबल हूँ, उसकी सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस सब कुछ खत्म हो गया था, और फिर उसके अंदर और नेगेटिव थॉट आती है और ये डिप्रेसिव साइकिल के अंदर वो फंस जाता है। ये सब उस पर्सन के साथ होता है। तो हमें ये समझना होगा कि इस डिप्रेशन की साइकिल को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो जरा समझते हैं इस चीज को। देखिए क्या होता है, कोई भी ट्रिगरिंग इवेंट होता है जो हमारे दिमाग में थॉट्स देता है। अब ये थॉट कहाँ से है, पास्ट के नेगेटिव जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रेफरेंसेस होते हैं वही आपका बिलीफ सिस्टम का पार्ट होते हैं, तो वो उसके बेसिस पर आपके दिमाग में थॉट आती रहती है कि मैं वर्थलेस हूँ, अनलवेबल हूँ, होपलेस, हेल्पलेस, कुछ भी फील कर सकता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी कदर नहीं करता, मैं किसी लायक नहीं हूँ। इस तरीके से बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जो हैं उसके कोर बिलीफ का पार्ट हो जाते हैं। तो ये थॉट सिर्फ थॉट नहीं होती, ये आपके कोर बिलीफ बन जाते हैं। अब ये कोर बिलीफ कैसे बनते हैं भाई, जिसमें हाई इमोशंस होते हैं, यानी कि इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए जो रेफरेंस आया वो उसके पिता से ही आया, उसकी माँ भी कुछ नहीं कर पाई, तो क्या हुआ कि पिता माँ ऐसे फिगर होते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं। तो जो उसका रेफरेंस आया, तू नालायक है, तू बेवकूफ है, तुझे मर जाना चाहिए, तू बोझ है, ये सब जो उसके पास आया वो कहां से आया, एक रिलायबल सोर्स से आया, उसके फादर से आया, तो उसके अंदर ये हाई इमोशनल इंटेंसिटी की वजह से उसका कोर बिलीफ बन गया। या फिर दूसरा कोर बिलीफ कैसे बन सकते हैं, हमारे रिपीटेड एक्सपीरियंसेस से। आप रिपीटेड एक्सपीरियंसेस भी उसके साथ हुए भाई, उसका तो पूरा बचपन ही इस तरीके से बर्बाद किया गया, अलग अलग लोगों ने उसे स्कूल में भी बुली किया, रिलेटिव भी कुछ भी बोल देते थे, घर का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा खराब था। जब मैंने उससे और डिटेल में पूछा तो उसके फादर ड्रिंक भी करते थे, उनको अपने कुछ इश्यूज थे, और उसका ऐसा कहना है कि वो अनडायग्नोस्ड डिप्रेशन का केस थे उसके फादर, तो उनके अपने कुछ इश्यूज रहेंगे, क्योंकि वो पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस में मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। मैंने उसकी सिस्टर को भी बहुत समझाया कि प्लीज़ आप अपने फादर को भेजिए या अपनी मदर को भेजिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, वो नहीं आए। बस शुक्र इतना था कि वो जो दो बच्चे मेरे पास आ रहे थे, मतलब ये जो लड़का था 32 साल का और उसकी सिस्टर जो थी, वो दोनों लोग जो मेरे पास आ रहे थे, कि उनका ट्रीटमेंट हो गया किसी तरीके से, उनको नहीं रोका, लेकिन वो खुद नहीं आए। तो वो देखिए कितना रिजिड थे वो, कि उन्हें रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि अगर मेरे बेटे का डॉक्टर बुला रहा है तो मुझे जाना चाहिए मिलने के लिए। तो यहाँ पर क्या था कि उस लड़के के कोर बिलीफ सेट हो गए थे, उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे फादर तो कभी चेंज ही नहीं हो सकते हैं, अगर आप मेरी जिंदगी बचा सकते हो तो बचा लो। तो इस तरह से वो कोर बिलीव्स के साथ जो उसके नेगेटिव थॉट्स आते थे, फिर डेफिनेटली उनकी वजह से हमें फीलिंग आती है, तो वही फीलिंग होती है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस, सैडनेस, एंगर, वर्थलेसनेस वाली फीलिंग्स होती हैं यही। और फिर उसके बाद बॉडी सेंसेशन जो है वो बहुत इंटेंसिटी के साथ फील करता है, जैसे बॉडी में बिल्कुल जान ही नहीं है, कई बार ऐसा फील होता है कि बिल्कुल सांस ही नहीं आ रही है, या कभी स्टमक में अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, नींद का चले जाना, अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आकर, और बिहेवियर में वही जैसे उसका था, सुसाइडल टेंडेंसी हो चली थी उसकी, किसी से मिलना जुलना नहीं, सोशल विड्रॉल सब चीज हो चुकी थी। तो ये क्या होता है, हमारे दिमाग में इस तरीके से चल रहा होता है। अब इस साइकिल को कैसे ब्रेक करते हैं, जरा सोल्यूशन पर बात कर लेते हैं, समझिए। देखिए जरा, अब लाइफ में कोई भी इवेंट अगर हमारे होगा, तो ये इवेंट में हमारे अंदर क्या होता है, एक्सपेक्टेड जैसा हमने सोचा था वैसा, या फिर अनएक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड क्या था इस केस में, अगर हम बात करें तो भाई हर बच्चा ही चाहता है ना उसके मदर फादर उसे समझें, वैल्यू करें, प्यार दें और उसकी केयर करें, यही एक्सपेक्टेशंस होती है पेरेंट्स से। ऐसे तो नहीं होती ना कि मारें, गालियां दें या इस तरीके से वर्थलेस फील कराएं। तो जब भी हमारे लाइफ में एक्सपेक्टेड कुछ भी होता है, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस जो होती है वो ऑलरेडी होती है, मतलब ये एक्सेप्टेंस तो बाय डिफॉल्ट होती है। ये जो एक्सेप्टेंस होती है कैसी होती है, ये बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब भी अनएक्सपेक्टेड होता है, तो यहां पर क्या होती है, नॉन एक्सेप्टेंस, ये नॉन एक्सेप्टेंस होती है, यहां पर हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड अगर किसी वजह से बेटर हो जाए, मतलब अगर ये क्या होगा कि अनएक्सपेक्टेड हुआ लेकिन आपका बेटर हो गया, तो यहां पर क्या होता है, शॉक लगता है विद हैप्पीनेस,
जैसे मान लीजिए किसी लड़की ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि उसको क्राउन मिलेगा और फिर उसी का नाम अनाउंस हो गया, तो आपने देखा होगा इस तरीके का एक्सप्रेशन, ठीक है। सो वो भी क्या है, शॉक है बट विद हैप्पीनेस। सो वहां पर क्या होता है कि हमें जो हमने एक्सपेक्ट किया उससे कहीं ज्यादा मिले, तो वहां पर हमें खुशी होती है विद अ लिटिल शॉक, ठीक है। तो वो शॉक भी हम प्लेजर में ही काउंट कर लेते हैं क्योंकि वो मोमेंट्री होता है। अनएक्सपेक्टेड केस में शॉक तो लगता ही है, लेकिन जब ये अनएक्सपेक्टेड हमारे साथ वर्स्ट होता है तो यहां पर क्या होता है, हमें फिर से शॉक लगता है, बट ये शॉक होता है विद ग्रीफ। और ये शौक क्या लेकर आता है अपने साथ, ये शौक लेकर आता है डिनायल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे। लेकर आता है साथ में एंगर, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरीके से अंदर अंदर चलता है, फिर इंसान कोशिश करता है, कोशिश करने में वो बार्गेन करता है हालात से, समझौते से, कभी अपने आप को सुधार कर, कभी दूसरों से बात कर कर। बट जब उसका बार्गेनिंग करने से, उसके एफर्ट्स करने से भी कुछ भी नहीं होता है, तो देन क्या होता है उसके साथ, यहाँ पर इस इवेंट जो है, जो रिपीटेड इवेंट बन जाता है कि बार बार उसके साथ हो रहा है, ये जो रिपीटेड इवेंट क्या है, आपके अंदर डिप्रेशन ले आते हैं। इस तरीके से डिप्रेशन की स्टेट बनती है कि जब भी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है और जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, तो वहां पर इंसान को शॉक लगता है। शॉक लगने के बाद उसे एक्सेप्टेंस ही नहीं होती, तो वो एकदम डिनायल मोड में, एकदम से ऐसे जैसे कोई बुरा सा सपना देख रहा हो और सुबह उठे और सब नॉर्मल लगे, इस तरह से वो बिल्कुल डिनायल मोड में रहता है। गुस्सा भी आता है, वो समझौता करने की कोशिश भी करता है, सुधारने के एफर्ट्स डालने के, बट जब उसके सारे एफर्ट्स भी बेकार हो जाते हैं और कॉन्टिन्यूअसली उसको रिपीटेडली वही एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, तो एक स्टेज आ जाती है डिप्रेशन। अब जो इसकी भी फाइनल स्टेज आती है, भाई चाहे एक्सपेक्टेड हो या अनएक्सपेक्टेड हो, आपको क्या करना है, आपको दोनों ही केस में, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड केस में, आपको क्या करना होता है, एक्सेप्टेंस देनी होती है। तो यहां पर जो डिप्रेशन आया उस लड़के को, वो सारे रियल इवेंट्स की वजह से आया, ऐसा नहीं था कि वो कोई कहानी बना रहा था, क्योंकि उसकी बहन ने भी उन सब चीजों को वैलिडेट किया कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है। सो अब क्या था, वो कोई स्टोरी तो बना नहीं रहा था कि जिससे से बोले कि ऐसा मत सोचो या इतनी आसानी से कि भूल जाओ या ये तुम्हारा कोई इंट्रूसिव थॉट है, ये तो सारे रियल थॉट्स थे और उसको सारी रियल फीलिंग्स आ रही थी क्योंकि रियल इवेंट्स थे। तो अब क्या है, एकदम से ऐसा तो नहीं काम बनेगा ना, लेकिन फिर भी इवेंचुअली जो फाइनल स्टेज लानी थी वो हमें एक्सेप्टेंस की लानी थी, क्योंकि डिप्रेशन के बाद जो फिफ्थ स्टेज आती है, फाइनल स्टेज किसी भी ग्रीविंग प्रोसेस में, वो आती है एक्सेप्टेंस। तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गई आपकी, शॉक डिनायल की हो गई है, फिर आपके एंगर की हो गई है, बार्गेन की हो गई है, फोर्थ स्टेज होती है हमारी डिप्रेशन वाली, एंड देन फाइनली हमें फिफ्थ स्टेज में जो है वो एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है। तो भाई सिंपल सा, डिप्रेशन वाले कोई भी सफर कर रहा है लाइफ के किसी भी इवेंट की वजह से, तो बहुत ही वर्स्ट केस था, क्योंकि वो लड़का मतलब नाउम्मीद हो चुका था शायद, मतलब ये था कि अगर यहां से भी उसको कुछ नहीं मिलता तो पता नहीं उसके साथ क्या हो सकता था। तो मैंने उसको एक ही बात समझाई कि देखो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को बेटर बनाना है, तुम्हें इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तो जो कुछ हो चुका है उसे तुम बदल तो सकते ही नहीं हो, बस उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये पेनफुल है, मैं जानती हूं, मैं समझ रही हूं कि ये बहुत बड़ा पेन है, क्योंकि जिसके साथ हुआ होता है, जिसने सफर किया होता है, उसे ही पता चलता है। लेकिन फिर भी इससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जितने भी पास्ट प्रीवियस ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं उससे कुछ लर्निंग लेकर तुम्हें अपने फादर को या जिन जिन भी लोगों ने तुम्हें हर्ट किया है उन्हें माफ करना पड़ेगा, और एक्सेप्टेंस के साथ एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर पिछले में आप अटके रहोगे और उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे या उसे लेट गो नहीं करोगे, उससे बाहर नहीं आने की कोशिश करोगे, तो फिर ये स्टेट को ब्रेक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इस स्टेट में बहुत ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है, इंसान बिल्कुल ही होपलेस हो जाता है, वो उसको लगता है कि अब तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो होपलेसनेस वाली फीलिंग होती है, यही आपको सुसाइड करने के लिए बार बार अंदर अंदर से ट्रिगर करती रहती है, और इसी वजह से आपने देखा है कि सुसाइड केस कितने बढ़ जा रहे हैं कि डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया, आए दिन इस तरीके की न्यूज़ हम सुनते रहते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हमें इस सबको तो दूर करना ही है। अब दूर करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या लेना है, आपको सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेना है। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे
पेनफुल होगा लेकिन एक्सेप्ट करने से कि जो हो चुका है मैं उसे बदल नहीं सकता, अब मुझे ये देखना है कि मैं सिचुएशंस को कैसे बेटर कर सकता हूँ। तो वहां पर क्या होगा कि आप डिनायल से एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएंगे, और जब आप एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं बेसिकली तभी आपके अंदर कुछ चेंज होना शुरू होता है, क्योंकि कुछ बदलने के लिए कुछ बदलना पड़ता है। अगर आप अपने थॉट्स नहीं बदलेंगे, अगर आप किसी भी तरीके से जो पास्ट के आपके बैड एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें अनलर्न कर कर नए एक्सपीरियंसेस नहीं देंगे माइंड को, तो आपके इमोशंस कभी चेंज नहीं होंगे। जब आपके इमोशंस चेंज नहीं होंगे तो आपकी डिप्रेशन वाली स्टेट ही कभी चेंज नहीं होगी। सो यहाँ पर है, कितना भी पेनफुल हो लेकिन जो कुछ भी हो चुका है, बस एक थॉट याद रखिएगा कि जो हो चुका होता है उसे बदला नहीं जा सकता। सिर्फ उसे सीख लेकर, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को माफ कर कर आगे बढ़ा जा सकता है, एक नई शुरुआत की जा सकती है। और लाइफ में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि कुछ भी ऐसा अनप्लेजेंट अनफेवरेबल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कोई भी नहीं चाहता ना, हर इंसान अपने लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन वो हो जाते हैं तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, जैसे कि सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसपे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिससे आप अपने थॉट्स को सॉल्व करते हो, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उन सब को, जो उनसे इमोशनल वैल्यू डिटैच करते हो। आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, माइंडफुलनेस होती है, इमोशनल रेगुलेशन थेरेपीज होती हैं, हिप्नोथेरेपी से जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो पेनफुल मेमोरीज होती हैं, उन सब के अंदर जो पेन होता है उसे रिलीज करा दिया जाता है। हिप्नोथेरेपी मैजिकली वर्क करती है चाइल्डहुड जो पास्ट ट्रॉमास एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें रिलीज करने के लिए, आपके इनर चाइल्ड को हील करने के लिए। आपके लाइफस्टाइल को चेंज किया जाता है, आपके डाइट को चेंज किया जाता है, बिकॉज इतना कॉन्स्टेंट नेगेटिविटी की वजह से सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो केमिकल है हमारे अंदर, उसके लेवल्स बहुत ज्यादा डाउन चले जाते हैं। और क्योंकि इंसान वो नेगेटिव ही सोचता रहता है तो उसके लेवल्स कभी ठीक से अप ही नहीं होते हैं या मेंटेन ही नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मेडिसिन लेने के बाद भी क्यों डिप्रेशन वाला ठीक नहीं होता है, वो इसलिए ठीक नहीं होता है क्योंकि जो एसएसआरआईज दी जाती हैं वो सब उस डिप्रेशन वाली स्टेट से बाहर निकलने के लिए, सर्टेन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए दी जाती हैं। बट क्या होता है, आपके अंदर उतनी ही नेगेटिविटी चल रही होती है, तो उस नेगेटिविटी की वजह से फिर वो लेवल्स डाउन रहते हैं। तो अल्टीमेटली आपको थॉट पर ही काम करना पड़ेगा, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उन सबको, आपको इमोशनल वैल्यू को रिलीज कर कर नए एक्सपीरियंसेस, नए एविडेंसेस देने पड़ेंगे। और आप फिर उसी इन्वायरमेंट पे उन्हीं लोगों के बीच में रहकर भी आप सेल्फ लव करने लगेंगे, आप जो पॉजिटिव चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी की उसकी तरफ आपका फोकस शिफ्ट कर दिया जाता है। एंड देन साथ के साथ आप अपनी जब वैल्यू करने लगते हैं तो आपको समझ में आता है जो दूसरों के रेफरेंसेज आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, कोई आपको वर्थलेस फील करा रहा है, आपको कोई नेगेटिव सजेशन दे रहा है, तो आपके अंदर पावर आ जाती है उन सबको रिजेक्ट करने की। लेकिन जब आप अपने थॉट्स पर काम नहीं करते हैं, आप अपनी सेल्फ इमेज, अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, वहां पर जो दूसरों के सजेशंस होते हैं उसे ही एक इंसान अपने सजेशंस मान लेता है, और फिर अपने सजेशंस जो मानने की वजह से उसके अंदर डेफिनेटली वही फीड हो जाते हैं, और वो फीड होने की वजह से ऑटोमेटिक थॉट्स वही आती हैं उसको, तो यहां पर उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें क्या समझ रहे हैं, हमें सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे अंदर ऑटो सजेशन आ रहा है उस पर चेक लगानी है, उसे वैलिडेट करना है कि ये मेरी वॉइस है या किसी और की वॉइस है। समझते हैं हमारे अंदर क्या होता है, ऑटो सजेशन आता है, ये ऑटो सजेशन क्या होता है, ऑटोमेटिक थॉट। तो बस आप इसे वैलिडेट कर लीजिए कि ये मेरा सजेशन है या फिर ये कहीं से रेफरेंस से आया है, तो ये जो ऑटो सजेशन है ये मेरा है या फिर किसी दूसरे का है। अगर ये किसी दूसरे का है, नेगेटिव है, तो आपके पास पावर है इसे रिजेक्ट करने की, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए कोई बोल रहा है यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर वर्थलेस, तुम्हें मर जाना चाहिए, तो अब ये जो भी इंसान बोल रहा है वो उसका ओपिनियन है आपके बारे में, वो आपको इमोशनल अब्यूज कर रहा है। लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं ना, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सिंपली जो दूसरों के रेफरेंसेस हैं उन्हें रिजेक्ट करना होगा, और रिजेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपको अपने लिए सेल्फ न्यू सजेशंस लिखने होंगे, और सेल्फ न्यू सजेशंस अपने को देकर
आपको बार बार ऑटो सजेशन देने होंगे, जिसको आप अफर्मेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरी ऐप पर आपको इस तरीके के हीलिंग अफर्मेशंस बहुत सारी मिल जाएंगी। वहां पर डिप्रेशन की फ्री एक्सरसाइजेस आप सब लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आज ही आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से डिप्रेशन की स्पेशल एक्सरसाइजेस कीजिए। उसमें मेडिटेशंस भी हैं, उसमें अफर्मेशंस भी हैं, और टाइम टू टाइम मैं आपके लिए और भी डिप्रेशन में कौन कौन सी थेरेपीज काम करती हैं या पूरे केस के जरिए ट्रीटमेंट्स बताऊंगी। मैं डिप्रेशन की सीरीज बनाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम अपनी डिप्रेशन की स्टेट को ब्रेक कर सकते हैं। और ये मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पेपरबैक या फिर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है ना परचेज कर सकते हैं, ये अवेलेबल है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।